16 फरवरी की सुबह जब पुलवामा हमले में शहीद हुए रमेश यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर उसका स्वागत किया। आसमान में लहराते सैकड़ों तिरंगे उस वीर की शहादत को श्रद्धांजलि दे रहे थे जिसने 14 फरवरी को देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पूरा का पूरा गांव तिरंगे में लिपटे शहीद रमेश को कांधा देने को बेचैन था, लेकिन अफसोस ताबूत में लेटा वीर जवान अपने उस स्वागत को देख ना पाया। शहीद के परिवार की दहाड़ बादलों को चीरती हुई आसमान से टकरा वापस लौट आ रही थी। हालत ऐसी कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। जरा सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो अपने बेटे को हमेशा वर्दी में ही आते जाते देखा करते थे। आज वो बेटा तिरंगे में लिपटा खामोश लेटा है।